हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फौजी किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही लज्जतदार मटन की रेसिपी जो हर किसी को बहुत पसंद आती है, और इसमें है एक लाजवाब ट्विस्ट, विच वो है सोया का। अब जब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और हमारे जो नॉनवेज शौकीन सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है, इसको आप ज़रूर बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच टुकड़ा जिंजर का जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे मिक्सी में। फिर हम लेंगे 500 ग्राम मटन, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये जो हमने पेस्ट बनाई थी ना, वो सारी पेस्ट से हम इस मटन को मैरिनेट कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल जो इसको एक अलग से ही फ्लेवर देगा, और ये जो हमने कच्चा प्याज इसमें पीस के डाला है ना, इससे टेंडर भी हो जाता है मटन थोड़ा, और कुक होने में आसानी होती है। अब एक कुकर ले लीजिए, उसमें डालिए 1/4 कप सरसों का तेल। इस सरसों के तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट स्मोकिंग, इसमें डालें 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची, 1 स्टार एनीस, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से तड़कने दीजिए। उसके बाद इसमें डालें 3 बारीक कटे हुए प्याज जिनको हम अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पर। अब ये प्याज फ्राई होने लग गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर डालने से आप घबराइए मत कि हमने मटन में चीनी डाली है, इससे ये देख रहे हैं आप अनियंस कितने अच्छे कैरमलाइज हुए हैं, और इससे मटन को एक अच्छा कलर भी मिलेगा। अब हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ मटन जिसको हम हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हमें लगने नहीं देना है, और खूब अच्छे से हिला हिला के इसको अच्छे से आप फ्राई कीजिए जिससे कि इसके अंदर का सारे जूसेस रिलीज हो जाएं। आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से मटन भुन चुका है। अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरे का पाउडर, और इन सारे मसालों को आप अपने मटन के साथ अच्छे से भून लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे मटन का कलर चेंज होने लगेगा और तेल साइड में रिलीज होने लगेगा। इस टाइम पे हम डालेंगे 1/2 कप बीट किया हुआ दही, और इसे डालकर भी अच्छे से चला लें। जब आप दही डालेंगे तो गैस को थोड़ा धीमा कर दें, क्योंकि दही फट सकता है, इसलिए उसको धीमा करके रखें, और फिर उसको लगातार फ्राई करते रहें। अब इसमें मैंने 3 चीरी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्च को इस पॉइंट पे डालने से मटन का फ्लेवर डिफरेंट होता है, और जब स्टार्टिंग में डालते हैं उसका अलग होता है, तो आप इस टाइम पे डाल के देखिए। फिर आप डालिए इसमें 3 कप पानी, और अच्छे से इसको उबलने दीजिए। जब इसमें उबाल आने लगे उस टाइम पे इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुकर को फुल आंच पर 2 सीटी दीजिए, और उसके बाद इसको धीमे पे 15 मिनट के लिए पकाएं। आपका मटन एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, और जब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो जाएगा तब आप इसको खोलें। देखिए कितने अच्छे से मटन गल चुका है। इट इज़ लीविंग द बोन, इट इज़ परफेक्टली कुक्ड। इस टाइम पे इसकी सीजनिंग चेक कर लीजिए, सॉल्ट वगैरह डालना है तो इस टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे जब हमारा मटन एकदम रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे सोए की बारीक कटी हुई पत्तियाँ। ये लगभग 1 गड्डी सोया है, जो मतलब आप कह सकते हैं 1 कप सोया जब कट के, इसको हम 2 मिनट ढक के पकाएंगे। इसमें सोया पक जाएगा और आपकी मटन करी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।